नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी, आप सबका दीपक जी एस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जान ही रहे होंगे कि हम लोग जो रेगुलर क्लासेस हैं झारखंड की, वो झारखंड की क्लासेस अभी नहीं लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सेट प्रैक्टिस की श्रृंखलाएँ आपकी जा रही होगी चैनल पर। और इसके अलावा बहुत सारे कोटा की क्लासेस जा रही हैं और बहुत सारे वैकेंसीज की जा रही हैं। और जो बिहार के भाई हैं उनको भी मैं आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि जो बिहार की वैकेंसीज हैं या तो फिर बिहार के जो क्लासेस हैं वो भी रेगुलर अब जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ दिनों से तबीयत में खराबी होने की वजह से ये नहीं जा पाई है ना। तो आज एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके सामने, एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ। वो अपडेट है हमारे बिहार के भाइयों के लिए, वो अपडेट है बिहार की बहनों के लिए, वो अपडेट है। और वो अपडेट है दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट, 40,506 वैकेंसियों का। कितना? 40,506 वैकेंसियों का। आज इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिलेगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो 40,000 बहुत बड़ा वैकेंसी, जो 40,506 वैकेंसी जो आया है वो किनके लिए है, कौन एलिजिबल हो सकते हैं और कौन कौन इसमें भर सकते हैं फॉर्म, और किनका सिलेक्शन होना है ना। इस तरह से हम लोग बात करेंगे और सभी जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको दूंगा। देखिए, ये जो वैकेंसी लाया गया दोस्तों 40,506, ये BPSC के द्वारा लाया गया, बिहार के शिक्षा विभाग के लिए। किस विभाग के लिए? बिहार के शिक्षा विभाग के लिए BPSC के द्वारा लाया गया। कुल पोस्ट जो है 40,506 है। किस चीज़ की पोस्ट है? तो प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक के नियुक्ति के लिए ये पोस्ट है दोस्तों, जिसका नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने, बिहार के BPSC विभाग ने कर दिया, और BPSC ने इसका नोटिफिकेशन कर दिया और इसका फॉर्म भी भरा जाने लगेगा। आइए जानते हैं फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो 28/3/2022 यानी 28 मार्च से फॉर्म भरा जाने लगेगा दोस्तों, लगभग आज से 4 दिन के बाद फॉर्म भरा जाने लगेगा। और अंतिम कब है? तो 22/4/2022 तक, यानी 22 अप्रैल 2022 तक इसके फॉर्म को भरा जाएगा। ये बहुत बड़ा वैकेंसी, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन भाई बहनों के लिए जो इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। आइए जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। फी जो रखा गया दोस्तों वो 750 रुपया रखा गया जनरल और OBC के लिए, और SC ST PH कैंडिडेट, वही जो दिव्यांग होते हैं, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपया मात्र फी रखा गया है। एक रीजनेबल रेट है, रीजनेबल फी है, जिसको आपको फॉर्म फिलअप करने में भरना है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करनी है दोस्तों। लास्ट तक बने रहे, क्योंकि तैयारी करने के लिए भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे अभी आपको, है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब आइए एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी में साफ साफ कहा गया है दोस्तों नोटिफिकेशन में, है ना, साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एलिजिबिलिटी में बिहार के निवासी होने चाहिए। कहाँ के निवासी होने चाहिए? बिहार के निवासी, यानी हमारे बिहार के भाई बहनों के लिए 40,506 वैकेंसियाँ सुरक्षित हैं जो बिहार के हमारे भाई बहन लेंगे, है ना। क्राइटेरिया क्या है कि आप ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स पेपर से हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, कम से कम उसमें 50% मार्क्स रहना चाहिए। यह किसके लिए है? तो जनरल के लिए है दोस्तों। किसके लिए है? जनरल के लिए है। 50% मार्क्स आपको होने ही चाहिए। अगर 50% मार्क्स आपके नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है इसको भरने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। SC ST EWS, वही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, OBC और फीमेल के लिए 5% मार्क्स का छूट दिया गया है। इनको कहा गया है कि आप अगर 45% मार्क्स भी लाए हैं ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें कि अगला क्राइटेरिया क्या है, अगला क्वालिफिकेशन क्या है इसको भरने के लिए, तो आप किसी न किसी, है ना, टीचर ट्रेनिंग का कोर्सेस किए हुए रहना चाहिए। जैसे कि देखिए, DLED होना चाहिए, BT होना चाहिए, BEd होना चाहिए, DAED होना चाहिए, BSCED होना चाहिए और BLED होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? इनमें से किसी भी एक प्रकार का पोस्ट, ऐसा नहीं है कि सब लिखा गया तो नहीं, सभी नहीं, किसी भी प्रकार का एक पोस्ट का डिग्री आपके पास होना चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसको भरने के लिए एलिजिबल है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना जो आपको मिलेगी, है ना, टेट एग्ज़ाम को लेकर के, कि टेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई होना है। लेकिन टेट एग्ज़ाम कौन सा क्वालिफाई होना है? तो जो 2012 के बाद जो टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होंगे, कब? 2012 के बाद वाला, है ना, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा वैसे शिक्षक जो 2012 से पहले टीचर बन चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं, उनको भी 2012 के बाद वाला टेट अगर वो दिए होंगे, क्वालिफाइड होंगे, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। 2012 के बाद वाला टेट का एग्ज़ाम निकालना अनिवार्य होगा, तभी वो भर सकते हैं। एज का बात करें दोस्तों, तो मिनिमम और मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप कितना कम एज में भर सकते हैं और कितना अधिक एज में भर सकते हैं,
एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, एज कितना भी कम एज में कितना भी मैक्सिमम एज में भर सकते हैं। अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ, अब हम लोग सिलेबस का चर्चा करें और इस चैनल के माध्यम से आपको कौन कौन से सिलेबस मिलेंगी वो भी बिल्कुल फ्री, किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्सेस नहीं भाई, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। और वो कौन कौन सा होगा तो देखिए, इसका सिलेबस है GS और DLED दोस्तों, ठीक है, GS और DLED। तो क्या DLED का जो होता है वो तो आप कोर्स किए होंगे तो वहाँ पर आपको मिल ही जाएगा DLED का आप कोर्स, वही बाल विकास वगैरह पढ़ना रहता है तो वो मिल जाएगा। बात करें GS का, इसको करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कई क्लासेस जा भी चुकी है। GS में आपको पढ़ना क्या है, एक तो करेंट अफेयर पढ़ना है, करेंट अफेयर में भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात, करेंट अफेयर आपको पढ़ना है। और करेंट अफेयर कहाँ से रहेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटना रहेंगे, जिसका क्लासेस हमारे द्वारा दिया जा रहा है, रेगुलर दिया जा रहा है बिहार के संदर्भ में भी। और कल आपके बिहार बजट का भी क्लास जाएगा, उस बिहार बजट के क्लास को महत्वपूर्ण बातों को देखना ना भूले, ताकि आपको हर एक प्रकार का प्रश्न वहाँ से भिड़ जाए आपका, ठीक है, करेंट अफेयर है। उसके बाद भूगोल है, हिस्ट्री है, ये सब सारी चीज़ हैं जिसका क्लासेस अभी रेगुलर हमारे चैनल पर चल रहा है। और इसके बाद मैथ भी रहेगा, थोड़ा सा बेसिक मैथ रहेगा, सिंपल सा मैथ है ना, बेसिक मैथ रहेगा दोस्तों, आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि बेसिक मैथ रहेगा, आपको याद रखना है। मैथ, करंट अफेयर्स वगैरह रहेंगे और GS का रहेगा। तो करंट अफेयर तो हमारे द्वारा कराया ही जा रहा है, GS मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह चैनल में डाल दिए गए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के चेक करें, आपको बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। भूगोल वगैरह सारी चीज़ पढ़ाए जाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप तैयारी करते रहें, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें। और अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी तरीके से लगा हुआ हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों, और अपने भाई का समर्थन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दुआओं बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, शुभ रात्रि, बहुत धन्यवाद दोस्तों।